बचा लीजिए मुझे, प्लीज बचा लीजिए, प्लीज मुझे बचा लीजिए, प्लीज। ये इधर, लड़की को इधर भेज, आके लेके जा। फिल्म देखते देखते फिर से सपनों की दुनिया पहुंच गया। क्या चाचा, मैं गुंडों की पिटाई करके पिंगे जी को बचाने वाला था, अब चुटकी थोड़ी देर बाद नहीं बजा सकते थे। लगता है बड़ा होकर ये भी हीरो बनेगा। हाँ बनूंगा, पिंगे जी के साथ गाना भी गाऊंगा, और कभी भी वो किसी तकलीफ में होगे ना, उन्हें मुसीबत से बाहर मैं निकालूंगा। हेलो, हाँ सर, कितनी? चार चाय। थैंक यू। क्या कहा था हा? स्कूल जाके पढ़ाई करो, चाय देने नहीं आना है तुम्हें, है ना? इसी पे सर, मैं काम कहाँ करता हूँ, मैं तो सिर्फ आप लोगों को चाय पिलाने आता हूँ, ताकि आप लोगों का हाल चाल पूछ सकूं। और स्कूल, स्कूल जा रहे हो या नहीं? जाता हूँ ना दया सर, नाइट स्कूल जाता हूँ। और दिन में क्या करते हो? दिन में फिल्में देखता हूँ। बेटा बच्चों को ज्यादा फिल्में नहीं देखनी चाहिए। ज्यादा थोड़ी ना देखता, सिर्फ बिंदिया जी की फिल्में देखता, वो मेरी फेवरेट हीरोइन है। अच्छा, और तुम्हारा फेवरेट हीरो कौन है? दया सर। अरे वाह। सर मैं तो कहता हूँ अब आप एक फिल्म कर ही लीजिए बिंदिया जी के साथ। फिल्म? और मैं मरवाओगे क्या? मेरे लिए तो ये सीआईडी की नौकरी ठीक है भाई। अच्छा टीनू, अब ये बताओ स्कूल में क्या क्या पढ़ते हो? सब कुछ, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस। अच्छा तो बताओ पंजाब की राजधानी क्या है? पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, और हरियाणा की भी, और वो यूनियन टेरिटरी भी है। अरे वाह। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ निखिल सर पूछिए ना। मैंने दया सर को 500 रुपया दिया, दया सर ने उसमें से 200 रुपये पूर्वी को दे दिया, तो दया सर के पास कितने पैसे बचे? 400। 400 कैसे? अगर सर ने 500 में से 200 रुपए पूर्वी को दे दिए तो 300 बचे ना? हाँ, मगर दया सर के जेब में कम से कम 100 रुपए तो होएगा ही ना, वो खाली हाथ कैसे आएगा बीरो?
शाबाश तीनू, शाबाश। वाह, बड़ा तेज दिमाग है तुम्हारा। अच्छा देखो टीनू, स्कूल में जाना रोज और मन लगा के पढ़ाई करना, एक दिन बहुत बड़े इंसान बनोगे। एसीपी सर, मैं भी बड़ा हो के आप लोगों की तरह सीआईडी ऑफिसर बनना चाहता हूँ। शाबाश, बिल्कुल बनोगे, बिल्कुल। मत तब तक किसी खतरे के बारे में पता चले या कोई जुर्म के बारे में पता चले तो हमें बताना, ठीक है? अब मैं जा रहा हूँ सिनेमा, बिंदिया जी की नई वाली मूवी देखने। अरे बाय बाय बाय। क्या हुआ? मुझे देखकर भी तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान नहीं आई। तुम्हारा चेहरा बार बार मुझे हमारे भविष्य का आईना दिखाता है पवन, और जानते हो मुझे उसमें क्या नजर आता है? क्या? जुदाई, एक लंबी जुदाई। ओ हीरोइन मैडम, डायलॉग तो सुपर्ब है, ये आपकी नई फिल्म का है? मैं सीरियस बात कर रही हूँ पवन, मुझे ये एक्टिंग वैक्टिंग नहीं करनी अब। बताओ तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं? जानू, तुम जब कहोगी मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, बट तुम्हारा करियर, तुम्हारी आने वाली फिल्मों का, प्यार के आगे इस फिल्मी दुनिया के चकाचौंध मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मायने रखती है, जरा बंगले के बाहर जाकर भीड़ देखो, सब लोग दीवाने हुए पड़े हैं तुम्हारे, और तुम्हें इस दौलत, शोहरत और नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता? हाँ नहीं पड़ता, तंग आ चुकी हूँ आपके सामने कठपुतली की तरह नाचते हुए। एक एक्ट्रेस होने से पहले मैं हूँ तो एक लड़की ना, मैं भी चाहती हूँ कि मैं डोली चढ़ूँ, दुल्हन बनूँ, मेले में जाऊँ, झूला झूलूँ, बिना किसी रोक टोक के जहाँ चाहूँ आ जा सकूँ। लेकिन आपकी ये कभी ना खत्म होने वाली पैसे की भूख मेरे सारे अरमानों को मिट्टी में मिला रही है। अरे बिंदिया जी, आप तो बिना वजह अपनी मम्मी पे गुस्सा हो रही है। आप मेले में घूमना चाहती हैं, बारिश में भीगना चाहती तो ठीक है, मैं अभी राइटर से कह के सारे सीन चलवा देता हूँ हमारी अगली फिल्म में। मैं आपकी अगली फिल्म नहीं कर सकती, आप प्लीज किसी और एक्ट्रेस को साइन कर लीजिए। फिल्म तो आपको करनी पड़ेगी बिंदिया जी, और वैसे भी 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है आपने, और फिल्म का साइनिंग अमाउंट भी हम जानकी जी को दे चुके हैं। कोई जबरदस्ती है क्या? बिंदिया कोई फिल्म नहीं करेगी, हम दोनों शादी कर रहे हैं। भूल के भी ये ख्याल अपने दिमाग में मत लाना, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक 5 साल तक बिंदिया जी शादी भी नहीं कर सकते। जो करना है करो, कोर्ट में जाओ, केस करो, मैं भी देखता हूँ कि दुनिया की ऐसी कौन सी ताकत है जो हमें शादी करने से रोकती है। दुनिया की तो बाद में सोचना, पहले मुझसे बात करो। मैं बिंदिया की माँ हूँ और मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है, समझे? सौतेली माँ हो और तुम्हें कोई हक नहीं है मेरी जिंदगी पर इस तरह रौब जमाने का। इस घर में मेरी चलती है और आगे भी मेरी ही चलती रहेगी, समझी? मगर चुप, तुम्हें जितना बोलने के लिए कहा जाए और जब बोलने के लिए कहा जाए तभी बोलो। दम घुटता है मेरा इस जेल में, देख लेना, एक दिन ये सब कुछ छोड़ के इतनी दूर चली जाऊंगी और कभी लौट के वापस नहीं आऊंगी। स्टार है, स्टार के नखरे तो आप जानते ही हैं ना। तीनू, क्या हुआ? तुम बाहर बेहोश कैसे हो गए? क्या हुआ? सब विद्या जी की जान खतरे में, कोई उन्हें किडनैप करना चाहता है। तुम्हारी फेवरेट हीरोइन बिंदिया? हाँ वही। मगर टीनू, आपको कैसे मालूम कि कोई बिंदिया को किडनैप करना चाहता है? मैं रोज नाइट स्कूल के बाद
उनके घर के नीचे रहता हूँ कि शायद वो दिख जाए। कल भी मैं वहां गया था और आज दुनिया मैडम नहीं आने वाली है, आप लोग जाइए। आज बिंदिया जी को नहीं देख पाया। आज रात को बिंदिया जी को किडनैप करना है किसी भी हाल में। किडनैप? यहाँ तो कोई नहीं है, तो फिर बिंदिया जी को कौन किडनैप करना चाहता है? मैंने उनके घर जाने की कोशिश की पर वॉचमैन ने मुझे अंदर जाने नहीं दिया। कोई बात नहीं, हम पता लगाएंगे। पूर्वी जरा फोन लगाओ बिंदिया जी को। फिल्म स्टार बिंदिया जी को फोन लगाओ। हेलो। हेलो, हाँ जी, मैं फिल्मी प्रतिभा मैगजीन से बात कर रही। मुझे बिंदिया जी की अगली फिल्म के सिलसिले में उनसे कुछ सवाल करने, कुछ बातें करनी, क्या बात हो सकती है? मालकिन, बिंदिया जी के लिए फोन आया है, क्या कह दूं? बेवकूफ कह दे, वो सो रही है, बीमार है। हेलो मैडम, बिंदिया जी की तो तबीयत ठीक नहीं है, सो रही है। क्या हुआ है उन्हें? मैडम ये पूछ रही है कि उन्हें क्या हुआ है। फोन रख नीचे। कुछ तो गड़बड़ है सर, जिस तरह से नौकर ने जवाब दिया कुछ तो है जो छुपा रहे हैं। हाँ जरूर। निखिल कोई न्यूज चैनल लगा कर देखो बिंदिया के बारे में कोई खबर है क्या। आज सुबह मशहूर अभिनेत्री बिंदिया कुमार के गायब हो जाने के कारण से पूरी फिल्मी जगत में खलबली मच गई है। सारे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स परेशान है कि आखिर वो गई तो गई कहाँ। पिछली फिल्म में उनके साथ काम कर चुके एक्टर देवेंद्र का मानना है कि काम के दबाव से राहत पाने के लिए वो किसी हिल स्टेशन में छुट्टी मनाने चली गई होंगी। जब हमने इस बारे में बिंदिया जी के घर वालों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने हमारा फोन काट दिया। इस बारे में और जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं कंचन, कैमरामैन अभय के साथ, रिपोर्टिंग फॉर लाइव न्यूज। दया, जिस बात का डर था वही हुआ, बिंदिया को किसी ने किडनैप किया। किसी काम के नहीं हो तुम। मीडिया तक ये खबर कैसे पहुंची कि बिंदिया कल रात से गायब है? मैडम मगर वो। मगर वो क्या, तुम जानते भी हो मीडिया इस बात को कितना नमक मिर्च लगाकर उछालेगी। अरे बिंदिया की इमेज की तो वो लोग धज्जियां उड़ा देंगे। तुम्हें इसकी फिक्र नहीं कि बिंदिया कहाँ है, तुम्हें इमेज की पड़ी है जानकी। अगर तुम किसी बात में मदद नहीं कर सकते हो ना तो अपना मुंह बंद रखा करो। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं पहले से कितनी परेशान हूँ। आपकी परेशानी बांटने अब सीआईडी आ गई है। आप लोगों को यहाँ किसने बुलाया? बुलाया तो नहीं, लेकिन जहाँ जुर्म के बीज बोए जाते हैं वहाँ सीआईडी खुद ब खुद पहुँच जाती है। जुर्म के बीज? ये सब क्या बोल रहे हैं आप लोग? हम बिंदिया की बात कर रहे हैं। सुना है कि वो किडनैप हो गई? जी नहीं, आपने बिल्कुल गलत सुना है। मीडिया वाले तो कुछ भी बोलते रहते हैं। चलो मान लिया कि किडनैप नहीं हुई, पर लापता तो है? जी नहीं ऑफिसर, वो लापता भी नहीं है क्योंकि बिंदिया का मोबाइल और गाड़ी दोनों उसके साथ ही है। वो अक्सर रात को लॉन्ग ड्राइव पर चली जाती है। मैडम ये लॉन्ग ड्राइव इस बार कुछ ज्यादा ही लॉन्ग हो गई। दोपहर के 2 बज रहे पर अब तक वो वापस नहीं आई। सर बाहर वॉचमैन ने बताया कि रोज बिंदिया को देखने इतने लोग आते थे कि उसको पता ही नहीं कि किसने क्या बोला। कोई बात नहीं। आप लोगों ने बिंदिया को आखिरी बार कब देखा था? कल रात डिनर के वक्त, उसके बाद वो अपने कमरे में सोने चली गई। सुबह देखा तो अपने कमरे में थी ही नहीं। बिंदिया किसी बात को लेकर कुछ परेशान थी? हाँ वो। अब नहीं, उसे कोई परेशानी नहीं थी। भला इतनी बड़ी हीरोइन है उसे क्या परेशानी हो सकती है। हीरो हीरोइन भी इंसान ही होते हैं, उनकी तकलीफें परेशानियां
आम लोगों से कुछ ज्यादा अलग नहीं होती। खैर ऑफिसर, अब आप देख चुके हैं कि यहाँ पर कोई परेशानी कोई गड़बड़ नहीं है। अगर हमें आपकी जरूरत पड़ी तो आपको बुला लेंगे। थैंक यू। हेलो, क्या बिंदिया किडनैप? और अगर उसकी जान की सलामती चाहते हो तो पूरे 5 करोड़ रुपए तैयार रखना। लेकिन मैं कैसे मान सकती हूँ कि जो आप कह रहे हैं सच कह रहे हैं? जब बिंदिया की लाश के टुकड़े मिलेंगे तब तो मानना ही पड़ेगा। पैसे कब और कहाँ लाने ये मैं बाद में बताऊंगा। और हाँ, अगर पुलिस या सीआईडी की मदद ली तो बहुत पछताओगे। हेलो जय अंकल, मैंने आपको बोला था ना कि बिंदिया की जान खतरे में, आप उन्हें बचा लोगे ना? घबराओ मत बेटा, कुछ नहीं होगा बिंदिया को। देखिए ऑफिसर, हमें आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। 5 करोड़ का सवाल है, कोई बात नहीं, दोबारा आ जाएंगे। लेकिन अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो? इस बात की क्या गारंटी है कि 5 करोड़ देने के बाद वो बिंदिया को कुछ नहीं करेंगे, सही सलामत छोड़ देंगे? पूरी पता करो ये फोन कॉल कहां से आया था, और मोबाइल कंपनी से ये भी पता करने की कोशिश करो कि इस वक्त बिंदिया का सेल फोन कहां है। सर, सचिन, शहर के सारे टोल नाका और चेक पोस्ट पे इन्फॉर्म कर दो, ये बिंदिया लॉन्ग ड्राइव पे गई है, किसी ना किसी ने तो उसकी गाड़ी को जरूर देखा होगा। अच्छा, ये जो अभी किडनैपर ने फोन किया था, इसकी आवाज कुछ जानी पहचानी लगी? नहीं, ये आवाज तो कभी नहीं सुनी। कहाँ पे? नहीं, मैंने नहीं सुनी। लेकिन सर, प्लीज प्लीज आप यहाँ रुक जाइए सर, इस किडनैपर का अगर दोबारा फोन आ जाएगा तो? देखिए, हो सकता है कि किडनैपर आपके घर पे नजर रख रहा है, और अगर हम लोग यहाँ पर है तो ये ठीक नहीं होगा। और आप लोग घबराइए मत, इस बात का इलाज है हमारे पास। मैंने क्या क्या सोचा था, सीआईडी का ऑफिसर बनूंगा, मुजरिमों को पकड़ूंगा, मेडल जीतूंगा, मगर दयासर ने मुझे यहाँ पे बर्तन मांगने के लिए भेज दिया। हेलो, हाँ पंकज, कितना आपका फोन आया दोबारा? नहीं नहीं सर, सब ठीक है। अरे सब अंडर कंट्रोल है यहाँ पे सर। पंकज धीरे से, क्या कर रहे हो? सब अंडर कंट्रोल है सर। चलो ठीक है, अपने आँख कान मुंह खुले रखना, मैं दोबारा फोन करूंगा। ठीक है? ठीक है सर। नहीं सर, अभी तक किडनैपर्स का फोन तो नहीं आया दोबारा बिंदिया के घर वालों को। बिंदिया एक मशहूर अभिनेत्री है, उसे किडनैप करना इतना आसान काम नहीं है। नहीं नहीं, ये कुछ और ही चक्कर है, कोई बड़ा प्लान है इसके पीछे। सर, जिस नंबर से किडनैपर ने फोन किया था सर, वो नंबर दुंगल मंडी के किसी पीसीओ का नंबर है। पीसीओ का? तो फिर पीसीओ पर गई थी तुम, मालिक से बात की? हाँ सर, सर वो इलाका काफी भीड़ भाड़ वाला है, तो पीसीओ के मालिक को कुछ याद नहीं कि फोन किसने किया था। और बिंदिया के मोबाइल फोन के बारे में कुछ पता चला? सर बिंदिया का मोबाइल फोन ऑफ है, इसलिए ट्रेस नहीं हो पा रहा। पर सर आखिरी बार उसका फोन 13 तारीख की रात 1 बजे तक ऑन था, उसके बाद ऑफ हो गया, उसके घर के ठीक बाहर। सर हो सकता है वो घर से निकल रही हो और किडनैपर्स ने उसे किडनैप कर लिया। नहीं नहीं नहीं, ये हो नहीं सकता। विद्या की खुद की प्राइवेट सिक्योरिटी है बंगले के बाहर, और फिर जाने वाले लोग भी तो होते हैं वहां पर। नहीं 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 सर, हो सकता है कि विद्या ने खुद मोबाइल स्विच ऑफ किया हो, जो लोग परेशान करते हैं उनसे दूर रहने के लिए। हो सकता है, लेकिन फिर भी सर। सर मैंने शहर के सभी टोल नाके और ट्रैफिक पुलिस से पूछताछ कर ली तो, लेकिन बिंदिया की गाड़ी के बारे में कुछ पता नहीं चला। ये कैसे हो सकता है निखिल, कैसे हो सकता है? बिंदिया कोई शहर के बाहर तो नहीं गई थी, शहर के अंदर ही तो ड्राइव करने गई थी, किसी ने तो देखा होगा उसे। नहीं 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 जब जब सीआईडी अपने केस सॉल्व करने में नाकाम होती है, तब तब ढेंचू खबरी, ढेंचू खबरी उसका मसीहा बनकर आता है। क्या कहा?
सर ऐसा चित्रोले साहब का मानना है। अबे चित्रोले बाबा के भगत, क्या जानता है बिंदिया के बारे में, बता जल्दी। सर जिस रात बिंदिया का किडनैप हुआ था सर, उस रात वो 25 नंबर हाईवे पर लॉन्ग ड्राइव के लिए गई थी सर। एक्चुअल सर लॉन्ग ड्राइव पर कभी कभी उस रोमांटिक हाईवे पर मैं भी चला जाता हूँ मेरी गर्लफ्रेंड के साथ। तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है? क्यों? जब तुम्हारे वो फ्रेडी की वाइफ हो सकती है तो मेरी मेरी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं? अच्छा अगर ये बिंदिया हाईवे नंबर 25 पे गई थी तो वहां टोल नाके पे कार की एंट्री क्यों नहीं हुई? सर इसका पता तो आपको शौकींदा ढाबा पर ही मालूम पड़ेगा सर। शौकींदा ढाबा? दोनों खाने पे टूट पड़े। क्या सर आप लोग तो कुछ खा ही नहीं रहे हो? अबे ढेचू, लगता है इस ढाबे का सारा राशन तू आज ही खा जाएगा। देखो सर आप मेरे खुराक को नजर मत लगाओ, वैसे ही मेरा डाइट बहुत कम है, स्वादिष्ट भोजन था इसीलिए खा लिया, अब 2 घंटे तक भूख नहीं लगेगी। पेट भर गया तेरा? हाँ सर। दिल देना भाई इनका। आप बता बिंदिया को कैसे और कब गायब किया गया? सर ये रहा आपका बिल। कितना बिल है? 1250 रुपये। ₹1250 खा गया? उस केबल का बिल भी साहब ही भरेंगे। ठीक है। किसका? इसका बिल क्यों तुम्हें? आप उसका बिल मत दो, मैं यहाँ से दौड़ना शुरू करता हूँ। बैठ 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 इधर। बैठो बैठो बैठो, यहाँ पे दौड़ के तूफान मचाने की जरूरत नहीं है, समझा? इनका भी बिल दो। ये लीजिए सर। इनका कितना हुआ? वही सर 1250 रुपए। 1250? इनका बिल भी मैं दे देता हूँ, टोटल 2500 सर। और सर 200 रुपया इनका टिप्स। हाँ क्यों नहीं? रिंकू रुक। सर ये रिंकू है, मेरे बचपन का दोस्त। सर बिंदिया के बारे में यही बताएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, पहले क्यों नहीं बताया? तेरा बिल नहीं देता मैं, इसीलिए तो मैंने बताया नहीं। तो रिंकू जी आपका भी खाना हो गया 2 घंटे का। अच्छा अब ये बताओ, ये बिंदिया के बारे में क्या जानते हो, कैसे किडनैप हुई वो? परसों रात को
दो मिनट मैडम, बस दो मिनट। फिल्म एक्ट्रेस बिंदिया, क्या प्रॉब्लम है? दिखता नहीं है किसी को भी? प्लीज हटे। तो इतनी लंबी प्लानिंग की गई थी बिंदिया को किडनैप करने के लिए। उस ट्रक का नंबर याद है तुम्हें? ट्रक का नंबर तो नहीं पता, लेकिन कंपनी का नाम सूर्या ट्रांसपोर्ट कंपनी। सूर्या ट्रांसपोर्ट कंपनी? क्या क्या कह रहे हैं आप? वो मशहूर एक्ट्रेस बिंदिया मेरी कंपनी के ट्रक में किडनैप हो गई? हाँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, हम इस तरह के गैर कानूनी काम नहीं करते। मेरे खबरी की इंफॉर्मेशन कभी गलत हो ही नहीं सकती, समझे? 13 तारीख रात के 2 बजे हाईवे नंबर 25 से तुम्हारी कौन सी ट्रक गई थी जिसमें बहुत सारे ड्रम्स रखे हुए थे? ड्रम्स तो कई ट्रकों में जाते हैं, और 25 नंबर हाईवे से 13 तारीख की रात, एक मिनट मैं बताता हूँ। सर बुल्लू, ये गुल्लू कौन है? अब वाई गुल्लू, बुलाओ सर। ए गुल्लू, क्या हुआ? वो सीआईडी वाले पूछ रहे। ओ तेरी सीआईडी, यहाँ कैसे आ गए? किडनैप बिंदिया को? हाँ सर, मैंने बिंदिया का किडनैप किया था, गलती हो गई सर, मुझे माफ कर दो। कौन लोग हैं इसके पीछे? सर, कौन लोग थे मुझे नहीं पता, उन्होंने मुझे पैसों का झांसा दिया और मैं लालच में आ गया सर, और मेरा ईमान डगमगा गया। उसका नाम नंबर कुछ तो पता होगा तुम्हें? सब कुछ नहीं पता, वो लोग मोटरसाइकिल पे आए और पैसा देकर निकल गए। चेहरा देखा उनका? उन दोनों ने हेलमेट पहन रखा था। चेहरा नहीं देखा, मोटरसाइकिल का नंबर तो देखा होगा। सब, मैं सच कहता हूँ, उस वक्त मुझे सिर्फ हजार हजार के नोट दिख रहे थे और मुझे किसी भी चीज में ध्यान नहीं गया। बिंदिया कहाँ है इस वक्त? सब, बिंदिया को मैंने उन लोगों के हवाले कर दिया और मैं वहां से चला गया। उसके बाद उन लोगों ने उसका क्या किया मुझे कुछ नहीं पता सब, मुझे छोड़ दो। आप अंकल, देखो एक काम करो तुम। ओके, क्या हुआ सर? किडनैपर से दोबारा फोन आया था, सफाले जट्टी पे बुलाया पैसे लेके, दोपहर 2 बजे। मेरी बेटी कहाँ है?
तेरी बेटी उधर नाव पे है, जा ले आ। अरे बैग तो खाली है। ए, रुक जा। पैसे किधर हैं? कहाँ पैसे? ए, पैसे किधर हैं? पैसे नहीं है। खाली है तो क्या हुआ? इस बैग में जेल की रोटियां भरी जाएंगी। सलाखों के पीछे जी भर के खाते रहना। गणेश जी, सीआईडी। मोहन जी, आप बिंदिया को लेके आइए। ये मेरी बेटी नहीं, ये बिंदिया नहीं है सर। बिंदिया नहीं? बिंदिया कहाँ है? कहाँ है बिंदिया? हमें नहीं पता साहब। नहीं पता? कहाँ से आई लड़की? किसके कहने पे किया? तू नहीं है सर। कुछ लोग मोटरसाइकिल पर आए थे, उन लोगों ने हमसे कहा कि कोई भी लड़की को किडनैप करके लेकर आना, 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। सर बेवजह हम लोग ही फंस गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधिका है। अगर ये डील नकली है तो असली डील कहाँ आ रही है? पूरे 5 करोड़ हैं। शुभ काम में देरी क्यों? लाओ पैसे मुझे दे दो। पहले मैं अपनी बेटी को देखना चाहती हूँ। रघु को बोलना कि बिंदिया को लेके आए। ठीक है। एक कार्ड रखो अपने पास, हम्म, जब कभी कोई बात हो, जरूरत पड़े तो मुझे फोन करना। मैं टीनू बोल रहा हूँ। बिंदिया को लेके चल, बुलाया है। ए, और बिंदिया बेटा तुम ठीक तो हो ना? पैसे बैग में है। क्यों कर रही हो नाटक? जानकी, बिंदिया कवर ले ले, छुप जाओ। खड़ी हो जा और चल, पीछे हट, पीछे हट। ए, बाहर निकलो, बाहर निकलो। अब किसी ने भी गोली चलाई तो समझो इस लड़की की जान गई।
बाहर। गन नीचे। नीचे गन, बैग ले लो। तीनू यहां क्या कर रहा है? बात से निकल गया सर। पूर्वी, आखिरी बार पंकज का मोबाइल फोन यहीं पे ट्रेस हुआ है। देखो पंकज का है, ढूंढो उसे। दिनेश, यहां से शहर जाने के लिए दो रास्ते हैं और दोनों रास्ते टोल नाके से होके जाता है। एक काम करो, टोल नाके पे इन्फॉर्म करो, गाड़ी का नंबर दो, बोलो यहां से बच के नहीं जाना चाहिए। दिनो, तुमसे मैंने क्या कहा था? हा? गाड़ी में बैठने के लिए कहा था ना, क्यों निकला गाड़ी से बाहर? सॉरी अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। सॉरी दया सर। गाड़ी दोनों टोल नाके से नहीं गुजरी है, तो हो सकता है जंगल वाले शॉर्टकट से ही गई होगी। सर, सब हो रही गाड़ी। सर, बिंदिया, 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 ठीक हो बिंदिया? विनीत, जरा आसपास देखो, कोई है क्या? बिंदिया, बोलो कहाँ गए? पता नहीं, मुझे यहाँ पे छोड़ के वो लोग पैसों का बैग लेकर चले गए। सर, आसपास तो कोई भी नहीं। मुझे थोड़ा पानी मिलेगा प्लीज। हाँ हाँ चलो। समझे। सर शुक्र है बिंदिया की जान बच गई, नहीं तो। बिंदिया तो बच गई, मगर वो किडनैपर जिसने ये खेल रचा है वो अभी भी आजाद घूम रहा है। जब तक वो पकड़ा नहीं जाता हम चैन से बैठ नहीं सकते। चलो। जी कहिए। वो टीनू से मिलना है। टीनू घर पे नहीं है। घर पर नहीं है, मगर उसके चाचा ने कहा कि वो घर पर गया। वो क्या है ना, वो घर पे ही था लेकिन कुछ ही देर हुआ है वो बाहर गया। कहाँ कहाँ गया वो? पता नहीं, लेकिन मुझसे 100 रुपए लिए और कहा कि मुझे ऑटो से कहीं जाना है। आपने उसे अकेले जाने दिया? वो क्या है ना कि वो ऑटो वाले ऑटो स्टैंड में सारे लोग उसे जानते हैं, इसलिए कोई टेंशन की बात ही नहीं है। अच्छा, ये ऑटो स्टैंड कहाँ है यहाँ पे? शायद इससे जरूर सर उस मुजरिम तक पहुँच जाएंगे। दया अंकल मुजरिम तक तब पहुंचेंगे ना जब तुम दया अंकल तक पहुंचोगे। शौक है तुझे बच्चे को भगाने का? अब ये हाथ तुझे अंतरिक्ष की सैर कराएगा। तीनों,
भी दया सर, मेरे वजह से आप उस बदमाश किडनैपर को नहीं पकड़ पाए ना। अरे टीनू ऐसा मत बोलो, वैसे मुझे सॉरी बोलना चाहिए तुम्हें। मैंने तुम्हें डांटा इसलिए, तुमने सचमुच हमारी बहुत मदद की है। अच्छा ये बताओ कि तुम यहाँ वापस क्यों आए? अचानक मुझे याद है जब आप वो किडनैपर से लड़ रहे थे। बिंदिया अक्सर रातों को अकेले लॉन्ग ड्राइव पे जाती है। ये आवाज? वही सबसे अच्छा मौका है किडनैप करने। ये आवाज कहाँ सुनी मैंने? बिंदिया को किडनैप करके तुम लोग 5 करोड़ की मांग रखोगे, 1 तुम्हारे 4 मेरे। ओ, तो ये है बिंदिया का किडनैपर। दुनिया में ऐसा कौन सा पिता होगा जो खुद अपनी बेटी को किडनैप करवाना चाहेगा? बहुत अभागा हूँ मैं, बहुत बहुत अभागा। पापा, तुम उससे इतना प्यार करते हैं, आपने ऐसा क्यों किया? क्या करता बेटी, मजबूर था मैं, सर तक कर्जे में डूब चुका था और सारा पैसा और जायदाद तो तुम्हारे माँ के नाम पे है। एक पैसा लेने के लिए भी मुझे इसके सामने नाक रगड़नी पड़ती थी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, पैसे और जायदाद के लिए तुमने अपने ही परिवार में आग लगा ली। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना मोहन। माफी मुझसे नहीं, बिंदिया से मांगो। उसे तुमसे कभी माँ की ममता मिली ही नहीं, मिली तो सिर्फ भूख, पैसे के लालच की भूख। आज तो बहुत खुश होंगी ना आप, मेरी सगी माँ तो पहले इस दुनिया में नहीं थी और आज अपने पापा को भी इस मुकाम पर लाकर मेरी सारी खुशियाँ छीन ली है। एसीपी सर, क्या आप मेरे पापा को नहीं छोड़ सकते? सब कुछ तो आप ही के हाथ में है ना। नहीं बिंदिया, मेरे हाथ में कुछ नहीं। तुम्हारे पापा ने कानून तोड़ा है और कानून नियमों से चलता है, भावनाओं से नहीं। अब तो अदालत ही तुम्हारे पिता की सजा तय करेगी। थैंक यू दया सर। आज हम तुम्हें इस मेडल के अलावा एक और सरप्राइज देना चाहते हैं। कैसा सरप्राइज दया सर? थैंक्स टीनू, मेरी जान बचाने के लिए। फिल्म में हीरो तो सिर्फ मुझे झूठ मूठ में बचाते हैं, लेकिन तुमने तो मुझे असली जिंदगी में बचाया है। तुम हो असली हीरो। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, एक ऑटोग्राफ मिलेगा? नहीं, क्योंकि आज से तुम मेरे फैन नहीं, मेरे दोस्त हो, और दोस्त एक दूसरे को ऑटोग्राफ नहीं दिया करते। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.